नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं आपका अपना YouTube चैनल चंदर मोबाइल सॉल्यूशन। आज हम आप लोगों को बताएंगे आई कॉल का जो टैब है N7, उसका पैटर्न कैसे रिमूव करेंगे विदाउट PC। तो ये जो आप लोगों के सामने ऑप्शन आ रही है, यह वॉल्यूम अप की को कंटिन्यू प्रेस और पावर की को जब तक ऑन ना हो तब तक ही प्रेस करें। जैसे ही ऑन होता है तो पावर की को छोड़ देना है और वॉल्यूम अप की को कंटिन्यू प्रेस करके रखना है। इसके अलावा इसमें जो है सेलेक्ट करने की जो है वॉल्यूम अप की है, और स्क्रॉलिंग की जो है वॉल्यूम डाउन, और रिवर्स मतलब बैक जाने की जो है पावर की है। लेकिन इस तरीके से यह जो इसका जो है पैटर्न रिमूव नहीं हो पाया, इसीलिए जो है इसे दूसरे तरीके से करना पड़ा। उस तरीके में पहले जो है पावर की को प्रेस करना है और आफ्टर 2 सेकंड बाद जो है वॉल्यूम डाउन की को प्रेस करना है। जैसे ही टैब ऑन होता है तो पावर की को छोड़ देना है और वॉल्यूम डाउन की को जो है प्रेस करके रखना है, तभी जो है रिबूट और वाइप ऑल डाटा की ऑप्शन आएगी। सब्सक्राइब करें चंदर मोबाइल सॉल्यूशन यूट्यूब चैनल को और दबाएं बेल आइकन को लेटेस्ट वीडियो की अपडेट पाते रहने के लिए। तो ये रही आप लोगों के सामने रिबूट सिस्टम नाउ। तो देख रहे होंगे किस तरीके का इंटरफेस है। यहाँ पर हमने सेलेक्ट करना है वॉल्यूम डाउन की से ही वाइप डाटा फैक्ट्री रीसेट, पावर की से जो है इसे ओके करना है। ओके करते ही यहाँ पर जो है वॉल्यूम डाउन की से यस करना है और फिर से ओके। देख रहे होंगे आप, प्रोसेस शुरू हो चुका है। तो ये था आज का वीडियो दोस्तों। इस तरीके से आप अपने टैब के पासवर्ड या पैटर्न को रिमूव कर सकते हैं जो आई कॉल का होगा। और इसमें जो है मैंने अच्छे से बताया है कि स्पेशल कौन सी ट्रिक काम करेगी। टैब का मॉडल नंबर जो है N7 है। यहाँ पर जो है पावर की से सेलेक्ट करना है रिबूट सिस्टम नाउ, उसके बाद टैब जो है खुद ब खुद ऑफ हो जाएगा, फिर ऑन भी हो जाएगा। ऑन होते ही आपका पैटर्न या पासवर्ड गायब हो चुका होगा। तो इस तरीके की वीडियो को देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। अगर वीडियो में कहीं कोई कमी, आवाज़ से संबंधित या वीडियो रिकॉर्डिंग से संबंधित कोई कमी है तो माफ़ कीजिएगा दोस्तों। हम अच्छे से अच्छे वीडियो बनाने की कोशिश करेंगे। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।